मेरा नाम इंदु राजपाल है, मैं मदरहुड रेजिडेंस गर्ल्स बॉयज पीजी चलाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले बच्चों को अपने उनके घर जैसा माहौल देना चाहिए और ना उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए, होने देना चाहिए कि हमारी मम्मी ने तो ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। हमारे पीजी में बच्चे कैसा भी रूम छोड़ के जाते हैं, वो मेरी जो मेड्स हैं, सब मेड्स हैं, उसको इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि एक तो उनकी कोई भी चीज़ चोरी नहीं होनी चाहिए, अगर उनकी अलमारी खुली भी रह जाती तो अपन को उसमें ध्यान नहीं लगाना है। दूसरा कि जो जैसा भी कमरा छोड़ के जाए, अगर आज हमारे बच्चे भी है कमरा, कोई जूता उधर रख के जाता है, कोई चप्पल उधर, कोई नैपकिन उधर, कोई टॉवल, वो सब व्यवस्थित उनको आके मिले, बिल्कुल होटल जैसा साफ सुथरा कमरा मिले। जैसे ही वो आए थके हुए, उनको ये नहीं हो कि ओहो हम कहाँ आ गए। जैसे मम्मी अपने बच्चों के कमरे को साफ सफाई नीट क्लीन रखते हैं, वैसे ही हॉस्टल के हम लोग भी सब कमरों को इतना नीट क्लीन रखते हैं। हमारा बॉयज़ हॉस्टल इतना चमकता है, जो बॉयज़ आते हैं वो कहते हैं ऐसा हॉस्टल नहीं मिला हमें कहीं, क्योंकि हम लोग रिपेयर मेंटेनेंस टाइमली कराना, ऐसा नहीं कि नल में से टूटा पानी बहता है तुरंत हम नल बनाने पहुंच जाते हैं। कहीं पे भी कुछ भी ना, किसी भी चीज़ की चिटकनी बननी हो रही है, मतलब जो चीज़ हम अपने घरों में करते हैं, सबसे पहले हमें हॉस्टल नहीं समझना है, अपने बिजनेस को अपना घर समझना है कि ये हमारे घर में अगर ऐसी चीज़ टूटी पड़ी हो हमें अच्छी लगेगी, वो हम नहीं करते हैं। जैसे ही टूटा कुछ तो हम उसको तुरंत, बच्चे घर जाते हैं अपनी कीज भूल के आ जाते हैं, फिर हम दूसरा ताला चेंज करवाते हैं। ठीक है, अब वो बच्चे हैं, वो तो ये सब करेंगे, उसको हम लोग इसको अदरवाइज नहीं लेते हैं। हम हंसते हुए कहते हैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है अभी हो जाएगा, तुम डोंट केयर, ऐसे करते हैं। हम ऐसे डांटना ये वो नहीं, क्योंकि आखिर वो भी किसी के बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी नादानियाँ करते हैं, गलतियाँ करते हैं, तो हम उनको रोज़ थोड़ी डांटते हैं, एक बार समझाएंगे, दो बार समझाएंगे, तीसरी बार तो हम उसको नहीं कहते। और अब हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आज हमारे बच्चों की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करते तो हम दूसरे बच्चों में कैसे कर सकते हैं। पीजी में सबसे ज़्यादा ये होता है कि पर्सनल लाइफ में अपन को इंटरफेयर नहीं करना है, और उनको हमेशा ऐसा सान्निध्य देना है कि हम उनके पेरेंट्स हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज़ को हम करते हैं। और जब हम उनका एडमिशन करते हैं तो हम आधार कार्ड ले लेते हैं, आधार कार्ड में अब सब कुछ हमें मिल जाता है, और हम उनके पेरेंट्स का आधार कार्ड भी ले लेते हैं, जैसे कि उनको हमें कोई दिक्कत हो, छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं, उसमें उनके पेरेंट्स के नंबर, फ़ोन नंबर, पापा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सब हमें रिकॉर्ड में होता है। कभी हम उनके पेरेंट्स तक हमें जाने की दिक्कत नहीं पड़ती है, बट हाँ कोई भाई इमरजेंसी होती है तो हम उनके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं। कभी कभी 10 बजे तक का टाइम रखते हैं, 10 बजे तक बच्चे अगर आ गए, आ जाते हैं, नहीं आते तो पहले बच्चों को फ़ोन करते हैं, नहीं उठाते तो पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं। और CCTV कैमराज हमारे सब कॉरिडोर्स में बाहर सब लगे रहते हैं, 10:30 बजे हम साथ दोनों जने देखते हैं कि हर हॉस्टल में लॉक लग गया कि नहीं लगा, सब आराम से उनको देखते हैं। जो बच्चा नहीं आया हुआ होता है उनको तुरंत फ़ोन करते हैं, वो हमारी वार्डन है, वो हमें बता देती है कि ये बच्चा नहीं आया, हम उससे बात कर लेते हैं। जहाँ पे भी होते हैं हम अपना ऐसे कि हमारा ये वर्क फ्रॉम होम भी रहता है कि जा जाते, क्योंकि हम लोग बहुत घूमने फिरने के शौकीन भी हैं, चले जाते हैं कहीं 2 दिन, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो वहाँ से भी हम चेक करते रहते हैं बच्चों को कि सब ठीक है। हम बच्चों को 3 टाइम मील्स देते हैं, मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दूध, चाय, कॉफ़ी, बॉर्नविटा, ये सब हम देते हैं। बच्चों को अलग से फ्रिज प्रोवाइड करते हैं, अलग से इंडक्शन देते हैं कि रात को उनको मैगी वैगी बना के खानी होती है तो बच्चे अपना इंडक्शन में मैगी वैगी बना के खा लेते हैं, क्योंकि रात को कुछ पड़ते हैं, किसी को भूख लगती है या कुछ भी, तो बच्चों को फन तो हमें नहीं छीनना है ना बच्चों से,
हॉस्टल में रहते तो इतना हम लोग डिसिप्लिन नहीं रखते, आराम से रहते हैं। हमारे जो बच्चे आते हैं एक बार आ गए वो चार, अगर उनकी चार साल की पढ़ाई है तो चार साल पूरी करके ही जाते, ऐसे नहीं कि वो जाते। और लॉन्ड्री हम लोग सेपरेट रखते हैं, 500 रुपये पर मंथ, उसमें कितने भी कपड़े दो आपको धुल के घर की तरह प्रेस होके नहीं कर। और एसी का चार्ज, और एसी चार्ज हम अलग लेते हैं, उसका सब मीटर हम लगवाते हैं। और आरओ वाटर है, इन्वर्टर पावर बैकअप रहता है, और फ्री वाईफाई रहता है। जो बेडशीट वगैरह और सब हमारी रहती है, वो हम उसकी लॉन्ड्री हम खुद करवाते हैं। वीकली अपने आप बिना कहे उनकी बेडशीट चेंज हो जाती है बच्चों की, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। ये सब हमारी मेड्स को, हमारी सबको, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं। सबसे पहले तो जो मेड्स होती है उसको ये कहते हैं जो बच्चों का सामान है अपन को उसको देखना भी नहीं है। दिवाली पे हमारी जैसे घर की सफाई होती है वैसे दिवाली की सफाई होती है, और होली पे भी हमारी वैसी दिवाली जैसी सफाई, 6-6 महीने में हॉस्टल की पूरी सफाई क्लीनिंग होती है। हर किसी को, बच्चे को एक अलग वार्डरोब रहता है, एक बैक टेबल, एक टेबल चेयर ये उसका रहता है। और एक हमारा हॉस्टल है उसमें हर रूम में पहले किचन था, उसको हमने उनको स्टोर रूम दे रखा है, उसमें अपने एक्स्ट्रा सामान बुक्स वगैरह वो लोग सब वहाँ रखते हैं। डेली हमारी वॉशरूम क्लीन होता है, डेली सब हमारी मेज अपने आप काम करती है। अगर आपको क्वालिटी लाइफ जीनी है, पीजी में रहना है, अगर आप अपना रूम लेके रहेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी। और अगर पीजी होता है उसमें यही होता है कि आपको कम रेंज में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। अगर आप इतनी फैसिलिटी जुगाड़ बिठाओगे उसमें आपको बहुत पैसा खर्च होगा। और यहाँ पे सब पूरा आपको सेटअप तैयार मिलता है। तो अगर आपको हमारे पीजी में मदरहुड रेजिडेंस बॉयज़ गर्ल्स पीजी में आना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम इंदु राजपाल। बॉयज़ और गर्ल्स पीजी के अलग अलग सेपरेट सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, सेपरेट सेपरेट सबके एडमिनिस्ट्रेशन है, सेपरेट सबकी कुक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।